कि स्टूडेंट्स नाउ क्लास 12th की अब हम प्रोबेबिलिटी करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले हम तीन बेसिक फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो कि हमें बहुत यूज़ आएंगे आगे. सबसे पहले अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए यूनियन बी की, तो बिल्कुल सेट वाला जो सेट में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए यूनियन बी क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला है बिल्कुल सेम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी कि वो ए नहीं है तो वो क्या होगा, वन माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी यानी कि सिर्फ ए है बी नहीं है. तो अभी आप खुद सोचो ए माइनस बी, हमें ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है यानी कि हमें ओनली ए चाहिए, ओनली ए नॉट बी, ओनली ए नॉट बी. तो अब हमें ए चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दिया. अब कोई प्रोबेबिलिटी ए कि वो ए भी है और वो बी भी है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हम कर देंगे उसमें से माइनस, क्योंकि हमें बी नहीं चाहिए. तो जो ए और इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है वो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी आ जाएगी. तो जस्ट तीन बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इनको कहीं नोट डाउन कर लीजिए. अब हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी. और इसका मतलब क्या है, जो मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, इसका मतलब होता है कि हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी हो चुका है. यानी कि हमें टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड. ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी हो चुका है. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ऐसे ही हम इसको थोड़ा और देखते हैं. अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो क्या होगी, इंटरसेक्शन तो देखो दोनों का सेम होगा, या तो बी पहले लिखो या तो बी ऑलरेडी हो चुका हो या ए ऑलरेडी हो चुका हो, दोनों का इंटरसेक्शन तो सेम ही होगा. तो ऊपर तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस फर्क कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, अभी इसके अंदर एक और चीज़ देखो, जब आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो अब इसका अगर हम देख लें कि मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी के एन हमने ले लिए कि इस इधर के ए इंटरसेक्शन बी के एन फेवरेबल आउटकम्स थे, तो एन ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय क्या होता है प्रोबेबिलिटी. नीचे वाला मत देखिए अभी, सिर्फ ऊपर वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर आउटकम्स दोनों केस में सेम आएंगे. अगर हमने ले लिया सपोज करो एस ले लिया सैम्पल स्पेस, तो डिवाइडेड बाय में एन एस, डिवाइडेड बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का क्या आएगा, एन बी डिवाइडेड बाय में एन एस. तो एन एस से एन एस कट जाएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय में एन बी, अगर दोनों का सैम्पल स्पेस क्या हो, सेम हो. तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है, एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय में एन बी. आप इससे भी निकाल सकते हो, बट क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, बाद में जाके एन एस बाय एन एस कट जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट नंबर ऑफ आउटकम से भी निकाल सकते हो. अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं. जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो आपको सैंपल स्पेस दे रखा है कि एक फैमिली के पास दो किड्स हैं, दो बच्चे हैं, तो यंगर गर्ल होगी और ओल्डर भी गर्ल होगी, यंगर गर्ल होगी ओल्डर बॉय होगा, यंगर बॉय होगा ओल्डर गर्ल होगी, या फिर दोनों बॉय होंगे. अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि दोनों चाइल्ड क्या हैं, बॉय. गिवन हमें दे रखा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय है, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि दोनों बॉय होंगे.
अभी गिवन हमें कुछ दे रखा है तो हमें ये पता लग रहा है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल है, तो हम लेट कर लेते हैं ए, ए सेट हमने लेट कर लिया कि बोथ आर बॉयज, और बी सेट हमने लेट कर लिया एटलीस्ट वन इज बॉय। अब इसका अगर हम सैम्पल स्पेस बनाए तो बोथ बॉयज में सिर्फ एक ही केस होगा, क्या होगा, यंगर भी बॉय ओल्डर भी बॉय, और एटलीस्ट वन इज बॉय में ये तीनों आ जाएंगे, एटलीस्ट एक तो बॉय होना ही चाहिए, तो इसमें एक बॉय है, इसमें एक बॉय है और इसमें एक बॉय है, तो इसका क्या आ जाएगा, BYGO, यंगर बॉय ओल्डर गर्ल, या फिर यंगर गर्ल ओल्डर बॉय, या फिर यंगर बॉय ओल्डर बॉय। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वन, इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तीन। अगर अब हम देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो ए में भी है और बी में भी है, वो क्या है, BYBO, यंगर भी बॉय ओल्डर भी बॉय। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, ए की, हमें क्या निकालनी है कि बोथ आर बॉयज की प्रोबेबिलिटी, बोथ आर बॉयज ए वाला सेट है तो हमें निकालनी है पी ए निकालना है। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है जब हमारे पास एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय है, यानी कि ए बाय बी निकालना है। अगर सिंपल लिखते कि वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, तो आप सिंपल कर देते, बोथ आर बॉयज के लिए 1/4 हो जाता। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज गिवन का, जब कंडीशनल कंडीशन प्रोवाइड है कि एक तो बॉय है ही है, तो आपको पी ए बाय बी निकालना है। तो पी ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय में एन बी, ये क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बी। अब आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि सैंपल स्पेस तो देखो सेम ही है, तो सैंपल स्पेस से जब डिवाइड करोगे वो कट ही जाना है, तो सिंपल इससे करते हैं, क्यों लंबा खींचना। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने आउटकम्स हैं, ओनली वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पी ए बाय बी क्या आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आउटकम्स इन बी क्या है, बी के अंदर कितने आउटकम्स हैं, वन टू एंड थ्री, थ्री, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास 10 कार्ड्स हैं, तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से 10 तक के कार्ड्स, जिसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 तक के कार्ड्स हैं। अब हम क्वेश्चन में है कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि कार्ड इवन है, और गिवन क्या है कि जो हमने कार्ड ड्रॉ किया है वो क्या है, ग्रेटर देन 3 है, यानी कि 3 नंबर से बड़े का कार्ड आया है, और हमें इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले हम दो सेट्स बना लेते हैं, ए सेट बना लिया कि कार्ड इज इवन, बी सेट बना लिया कार्ड ग्रेटर देन 3, कार्ड ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, कार्ड इवन है तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8 और 10। कार्ड ड्रॉन ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 4, 6, 8 और 10, 4, 6, 8 और 10, 4, 6, 8 और 10। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि कार्ड इवन है जब हमारे पास 3 नंबर से बड़े का कार्ड निकला है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाय बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी
डिवाइडेड बाय एन बी। अब आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो पहले ही लिख दो कि एन ए कितना है, इधर लिख दो साइड में एन ए इज इक्वल टू 5, 1, 2, 3, 4, 5. एन ए क्या है हमारे पास 5, एन बी क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4. तो अब आपको सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, एन ए इंटरसेक्शन बी की क्या है ये 4, एन बी क्या है हमारे पास 7. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4/7. तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, पहले सैम्पल स्पेस लिखना है क्वेश्चन को पढ़ के, फिर दो हमने सेट बनाने हैं उनके एलिमेंट्स को काउंट करके लिखना है, फिर हमें पता करना है कि हमें निकालना क्या है। अगर हमें ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बी बी देन इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, और एन का मतलब क्या है इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जो भी सेट गिवन है, एन बी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे सिंपल आंसर, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन थ्योरम।